हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंदर रैना जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है। सर, वक्त इंडिया में स्वागत है आपका। कठुआ में किस तरह का आपको कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 11 अप्रैल को कठुआ आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कठुआ के अंदर एक बहुत बड़ी चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, जिसमें हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, ब्लावर, बसोली और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों की तादाद में यहाँ के निवासी भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 11 अप्रैल की इस रैली को भव्य महारैली के रूप में, इसको बड़ा कार्यक्रम किया जाए, इसके लिए आज यहाँ कठुआ में तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ संभाल ली हैं। हर गांव से, हर शहर की हर गली से, हर पोलिंग बूथ, हर पंचायत से कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, साथी, सहयोगी नरेंद्र मोदी साहब की इस रैली में भाग लेंगे। मोदी साहब ने जो काम किए हैं हमारे देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी खासकर हमारे कठुआ जिले में, रिकॉर्ड तोड़ काम पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ हुए हैं और उसी का परिणाम है। चाहे विजयपुर के एम्स ग्राउंड के अंदर 2.5 लाख से ऊपर लोगों की रैली हुई थी, या उसके बाद जम्मू के अखनूर में रैली हुई, और 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे नरेंद्र मोदी साहब कठुआ पहुंच जाएंगे और 10 बजे नरेंद्र मोदी साहब की रैली शुरू हो जाएगी और हजारों की तादाद में कठुआ वासी नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत करेंगे, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि उस दिन जम्मू कश्मीर का एक नया इतिहास बनेगा, इतनी जनता उस रैली के अंदर भाग लेने आएगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का जो आरक्षण है उसको 33% के दावे करती है, मगर इस बार जो 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें किसी भी महिला को उतारा नहीं गया, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महिलाओं को जो सम्मान इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है, मोदी साहब की सरकार का पहला स्लोगन ही था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी योजनाएं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर करोड़ों माता बहनों और बेटियों का जो आदर सम्मान किया है वो पिछले 70-72 सालों के अंदर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी और वो सारे पहलू आगे बढ़ाए जाएंगे जिनकी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है जिसमें उन्होंने धारा 370 और कश्मीर के मुद्दे की बात की है और वहां पे जो अस्पा को हटाने की बात करी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखने के बाद, पढ़ने के बाद लगता ही नहीं है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद ये लगता है कि कांग्रेस आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की पार्टी है। सर, लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी छोड़ के लाल सिंह जी जो अपना नया संगठन बना के आए हैं मार्केट में, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को आपका वोट काटेंगे या किस तरह रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 के लोकसभा चुनावों में कठुआ जिले से जो 5 सीटें हैं, हीरानगर, कठुआ, बनी, बिलावर, बसोली, यहाँ बीजेपी को 1,60,000 की लीड मिली थी। 2019 में ये लीड 2.5 लाख से ऊपर जाएगी और क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी। शुक्रिया सर। ये थे रविंदर रैना जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आने वाले चुनावों में काफ़ी बढ़त लेगी और जो लाल सिंह जी के बारे में उन्होंने अपने जो स्टैंड जाहिर कर दिया और साथ ही में धारा 370 की जो कांग्रेस की नीति है उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। कैमरामैन अशोक जी के साथ